हेलो दोस्तों, मेरे चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज की रेसिपी है बचे हुए चावल के कटलेट्स। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो आइए हम कटलेट बनाना शुरू करते हैं। मेरे पास ये दोपहर के लंच के कुछ चावल बचे हुए थे, मैं उन्हीं का यूज़ कर रही हूँ। अब हम इसमें ऐड करेंगे आधा कप पोहा, जो कि मैंने 5 से 10 मिनट के लिए भिंगो लिया था। एक मीडियम साइज़ का आलू उबला हुआ, गाजर कद्दूकस किया हुआ, कुछ मिली जुली सब्जियां जैसे कॉर्न, बीन्स और कैप्सिकम। आपके पास जो भी अवेलेबल हो आप वो यूज़ कर सकते हैं। कॉर्नफ्लोर, आप चाहे तो मैदा भी यूज़ कर सकते हैं। नींबू का रस, नमक स्वाद अनुसार, कलर लाने के लिए थोड़ा सा हल्दी, लाल मिर्च, मैं यहाँ मैगी मसाला यूज़ कर रही हूँ। आप चाहें तो नॉर्मल गरम मसाला या किचन किंग मसाला भी यूज़ कर सकते हैं। हरा धनिया और बारीक कटी हरी मिर्च। अब इन सब चीज़ों को हम अपने हाथों की सहायता से अच्छी तरीके से मिला लेंगे। अच्छी तरह से मिलाने के बाद आइए अब इसे कटलेट की शेप में बना लेते हैं। सबसे पहले अपने हाथों को तेल से अच्छे से ग्रीस कर लें और उसके बाद अपने मनपसंद शेप में कटलेट को बना लें। जैसा कि ये देखिए मैं बना रही हूँ, इसी तरह एक एक करके अपने सारे कटलेट तैयार कर लें। आप चाहें तो राउंड शेप भी बना सकते हैं। चलिए अब हम इन्हें शैलो फ्राई कर लेते हैं, हम इन्हें डीप फ्राई नहीं करेंगे। अब हम एक तवे को गर्म करेंगे और उस पर थोड़ा सा ऑयल स्प्रेड कर लेंगे। फिर एक एक करके अपने सारे कटलेट्स दोनों तरफ से लाल होने तक सेक लेंगे। आप चाहें तो इस पर थोड़ा सा ऑयल कटलेट्स के ऊपर भी लगा सकते हैं। दोनों तरफ से पलटते हुए हम इन्हें सेक लेंगे और फ्लेम मीडियम रखेंगे, हाई फ्लेम पे नहीं सेकेंगे। ये देखिए हमारे कटलेट तैयार हैं। आप इसे अपने पसंद की चटनी या सॉस के साथ सर्व करें। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो उसे लाइक करना ना भूलें और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।